इसी तरह से एक प्रॉब्लम जो हमारा है वो ये, जो हमारी खुशियों को, सुकून को बर्बाद करता है, वो क्या है? अपनी चीज कम देखना, दूसरों की ज्यादा देखना। जैसे हम कहते हैं कि जो पेन है वो कंपैरिजन में है। जब तक आप लिए मोबाइल, कितना अच्छा मोबाइल है, अच्छा बाजू, अरे तेरे पास कहां से आया, ये कब लिया, ये कब लिया, गुस्से से बोलता है कब लिया ये, तेरे पास ये नहीं होना चाहिए था। अभी दोनों लगा के जब देखता है तो बोलता है इसमें इतने फंक्शन है मालूम, और ये कितने में, इतने में। तो जब कंपेयर करता है आदमी तो दुख शुरू हो जाता है। जब तक कंपेयर नहीं था उसको बराबर तकिए के नीचे से निकाल निकाल के देख रहा था, जेब में से निकाल के थोड़ा अच्छा उसको पोंछ के एकदम साफ सुथरा रहना चाहिए एकदम। लेकिन जैसे ही दूसरे का देखा तो उसकी वो खुशी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। आप एक बच्चे को बुलाइए, देखिए ट्राई करके इसको, उसको आप अपनी जेब से बड़ा एकदम चॉकलेट निकाल के दीजिए, बहुत खुश होगा वो आपका बच्चा। आप अपने दूसरे बच्चे को बुलाइए, उसको दो चॉकलेट दीजिए, इसकी खुशी पे असर पड़ता कि नहीं पड़ता, ये छुड़ जाता, उसको दो कैसा, अगर उसको नहीं देता तो ये खुश होता कि नहीं, एक पे खुश हो जाता। लेकिन इसको दुख कब हुआ, जब उसको दो दिया। ये हम लोग सब हैं ऐसे, हम बच्चे भी ऐसे हैं और बड़े भी ऐसे हैं। हम अपनी चीज को एंजॉय नहीं करना चाहते, हम दूसरे की चीज, दूसरे के पास नहीं है ये हमारे लिए ज्यादा खुशी होती है, मेरे पास है ऐसे, कितना बड़ा प्रॉब्लम। आप सोचिए आपके बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। हम दूसरों से जैसा ही अपने आप को कंपेयर करते हैं वहां से मुसीबत शुरू हो जाती है। जेलसी, एनवी जिसको कहते हैं, एनवी और जेलसी में फर्क होता है, जैसे गिफ्त और हसद में फर्क होता है। आप डिक्शनरी में देखिए उसको, एनवी कहते हैं एक चीज उसके पास है, मेरे पास होता तो कितना अच्छा होता, यानी मेरे पास नहीं है वो दुख होना उसके पास देखकर, ये एनवी है। जेलसी क्या है, उसके पास नहीं होना चाहिए था, कैसा है उसके पास, तो ये जेलसी होता है कि किसी और के पास देखकर खुश नहीं होना, इसको जेलसी कहते हैं, इसको हसद कहते हैं। और हसद आदमी के लिए दुनिया में एक सजा है, वो अंदर से जो है यानी मुसलसल जलना है अंदर से, उर्दू में भी बोलते बहुत जलता है, जलते कुड़ते नहीं बैठना, ये बोला जाता है उसके लिए जेलसी, कि एक आदमी का अंदर से दूसरे की खुशी देखकर परेशान होना, ये नहीं होना, ये हमारे लिए तकलीफ की चीज है, दूसरों पे हसद करना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला यज़ालु अन्नासु बिखैरिन मा लम यतहासदू, लोग हमेशा भलाई के साथ रहेंगे जब तक कि वो आपस में एक दूसरे से हसद न करने लगे, एक दूसरे पर जलने न लगे। जैसे एक दूसरे से हसद करना शुरू करते हैं, जिंदगी का सुकून खैर की बजाय शर्म में तब्दील हो जाता है। तो मालूम ये हुआ कि भलाई इसी में कि आदमी हसद छोड़ दे। एक आदमी अगर दूसरों को देखे, दूसरों के पास कुछ है, ठीक है, उसके पास बड़ी गाड़ी है, मेरे पास छोटी बाइसिकल है, ओके आई एम हैप्पी विद इट। एक आदमी अपनी जिंदगी में जो उसके पास है अगर उसको एंजॉय करना चाहे, वो राजा के जैसा एंजॉय कर सकता है, उसको दूसरे की चीज़ों की जरूरत नहीं है। जैसे ही वो देखता उसके पास ये और मेरे पास ये, मैं छोटा वो बड़ा, मैं कम वो ज़्यादा, यहाँ से तकलीफ शुरू हो जाती है। हम अगर ये सोचे मुझको ये पसंद है, मैं इसी को पसंद करता हूँ, मुझे ये अच्छा लगता है, दूसरे के पास दुनिया का रहने तो मेरे को कुछ नहीं होता है, मुझको ये अच्छा लगता है, ये आदमी सुखी है, लेकिन ये देख रहा आधा इधर देख रहा आधा उधर देख रहा। दूसरे को देख के जब आदमी कंपेयर करना शुरू करता है उसका सुकून खराब होता है। उससे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब आदमी देखता है कि दूसरे को मिल रहा है और ये चाह रहा है कि नहीं मिले, तो जितना उसको मिलता है इसका दुख बढ़ना शुरू हो जाता है। मेरा बेटा पास हो गया, बहुत खुशी, पेड़े लेके पड़ोस में गया, मालूम हुआ वो डिस्टिंक्शन में आया, पूरा मुंह छोटा, पेड़े कड़वे हो जाते। बोलते आप क्या देते, मैं पेड़े देता आपको, लोग कड़वा लगने लगता हो पेड़ा उसका। तो अपना गुड्डू पास हो गया है, उसकी खुशी अब क्या हो गई, खराब हो गई, अभी उसकी पूरा उसकी एनर्जी पूरी डाउन हो जाती है, बैटरी एकदम फट से कम। क्यों, उसका बच्चा कैसे ज्यादा मार्क्स लिया, आके घर पे बेटे को चूमा था, प्यार किया था, पेड़े लाया था, बेटे की धुलाई करता, पढ़ने नहीं आता था, वो भी तो बच्चा है ना, वो कैसा पढ़ा। तो आप देखिए, यानी एक आदमी जब दूसरे को देखता है तो उसकी तकलीफ शुरू होती है। आप ये सीखिए कि मेरे पास ये सब कुछ है, मुझको इसी में खुशी होती है, दूसरे के पास है बहुत अच्छी बात है, उससे भी ज्यादा किसी के पास है, उससे भी ज्यादा किसी के पास है,
तो हर एक के पास दूसरे से क्या है, ज्यादा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे पास इतना है, मुझको इतना चाहिए, मेरे पास इतना है, मेरे पास इतना है जितना मेरे को चाहिए, खुश रह सकता आदमी। लेकिन जब आदमी हिर्स के अंदर पैदा होती है, ये मुसीबत खड़ी करती है। अल्लाह ताला फरमाता इसमें, यानी हल क्या है इसका, अल्लाह की तकसीम पर राजी होना। अल्लाह ने जो डिस्ट्रीब्यूशन किया है, हम अल्लाह से खुश हैं। अल्लाह तूने उसको ज्यादा दिया ना, कोई बात नहीं, मैं खुश हूं इससे। मुझको कम दिया, कोई बात नहीं, मैं राजी हूं, अल्लाह दे और, लेकिन मैं उससे नाराज नहीं हूं। अल्लाह ने किसी को खूबसूरत बनाया, किसी को बदसूरत, किसी को सेहतमंद, किसी को बीमार, किसी को अपाहिज, किसी को ठीक ठाक, किसी को अमीर, किसी को गरीब। अल्लाह ने जिसको चाहे जैसा बनाया। अब एक आदमी का किसी से नाराज होना, उससे नाराज नहीं होना है, उसका अल्लाह से नाराज होना है। एक आदमी राजी रहे कि अल्लाह ने जिसको जैसा बनाया, जैसा दिया, ओके मैं खुश हूं इससे, कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझको कोई शिकायत नहीं है। अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह यबसुतु रिज़्क लिमन यशा व यक़दिर। अल्लाह ताला जिसके लिए चाहता है रिज़्क को फैला देता है, जिसके लिए चाहता है रिज़्क को समेट देता है, तंग कर देता है। वो फरिहु बिल हयात दुनिया, और लोगों का हाल यह है कि वो दुनिया की जिंदगी ही पर फख्र कर रहे हैं। वमल हयात दुनिया फिल आखिरत इल्ला मता, लेकिन दुनिया की जिंदगी आखिरत के सामने थोड़ी सी कुछ पूंजी के सिवा कुछ भी नहीं है। दुनिया में आप भी सोचे, मैं इससे सोच रहा हूं उसको नहीं मिलना चाहिए, उसको ज्यादा मिला, मुझको कम मिला, ये सारा टेंशन छोड़ो। दुनिया में आपके पास कम है, उसके पास ज्यादा है, आखिरत में आपको ज्यादा चाहिए तो कोई रोक सकता है आपको? एक आदमी आखिरत में कंपटीशन करना चाहिए, देखिए दुनिया में लिमिटेड है, यहां पर सब लिमिटेड है, यहां पर सब दौड़ रहे पाने के लिए, किसी को कम मिलेगा, किसी को ज्यादा। आखिरत में तो कुछ ऐसा नहीं है ना, जन्नत लिमिटेड है क्या कि इतनी सीट जन्नत में, इतनी सीट्स हैं, जितने लोग जन्नत में आएंगे वो पहले आए तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ऐसा है कुछ कि पहले जो इतने आ गए उन लोगों को ही मिलेगी जन्नत, बाकी कितना भी अच्छा करके आओ उनको बाहर वेटिंग में रहेंगे, ऐसा है कुछ नहीं। जन्नत के लिए रास्ता खुला हुआ है। तो आदमी अपनी एनर्जी सही इस्तेमाल करे। दुनिया में कम मिला कोई बात नहीं, एक आदमी गरीब है, एक आदमी अमीर है, वो सोचे ठीक है मैं यहाँ गरीब हूँ कोई बात नहीं, मेरे पास मैं अपाहिज हूँ कोई बात नहीं, मैं इतनी अच्छी नेकी करूंगा कि जन्नत में मैं एकदम इससे ऊपर जाऊंगा, नहीं जा सकता है? जा सकता है। ये कब जा सकता है? जब वाकई जन्नत का यकीन उसको उतना पक्का हो, जन्नत का यकीन तब पक्का होना चाहिए। तो एक आदमी को सुकून मिलेगा, कैसे? यहाँ नहीं मिला तो कोई बात नहीं, आखिरत में मिलेगा। एक आदमी को सुकून मिलता है नहीं तो एक आदमी की अल्लाह से शिकायत पैदा होना शुरू होती है और अंदर ही अंदर वो परेशान होना शुरू होता है। इसी तरह से हसद का इलाज, जेलसी का इलाज क्या है? बजाय इसके कि उसकी खुशी को देख के नाखुश हो, उसकी राहत को देख के तकलीफ में आए, फ्री में वो भी खरीदी हुई, उसको भी मालूम नहीं है, एक आदमी को कुछ मिला, प्रमोशन उसका होगा, ऑफिस में देख रहा उसको दूर से खड़े होके, आया तो हाथ मिला रहा उससे, लेकिन फिर गया तो फिर देख रहा इसको कैसा हुआ, उसको मालूम भी नहीं है कि ये कितना परेशान है, और इसके जलने से, इसके तकलीफ में आने से उसको कुछ हो रहा है, वो दुबला हो रहा, उसकी प्रमोशन नीचे आ रही, उसके अकाउंट में से अचानक पैसे गायब हो रहे, कुछ भी नहीं, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, न इसको फर्क पड़ रहा है कि जलेसी की वजह से, हसद की वजह से इसके अकाउंट में कुछ आ रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है इसको। खामखा क्यों किसी के खुशी के ऊपर आदमी गमगीन हो? ये भी अजीब बात है, दूसरे के गम में गमगीन होना समझ में आता है, दूसरे की खुशी पर ये गमगीन हो, क्या प्रॉब्लम है इसको? मतलब क्यों गमगीन हो रहा है? वो भी बगैर उसके हुक्म के, बगैर उसकी इजाजत के, अपने आप खामखा चुप, कुछ उससे हाल बदलने वाला नहीं है। आदमी दूसरों को खुश होने दे, कोई उससे तकलीफ ना ले, अपनी जिंदगी वो खुद जिए, मुझको ऐसा जीना है। और दूसरी चीज उसमें यह है कि आदमी अल्लाह से मांग सकता है, अगर उसको वाकई लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए था, मुझको मिलना चाहिए था, रास्ता बंद है, तुझको भी मिल सकता है, तू अल्लाह से मांग, तुझको मिल सकता है। अल्लाह ताला फरमाता है, वमा बिकुम मिन नेमतिन फमिन अल्लाह, जो भी नेमत तुम्हारे पास है वो अल्लाह की तरफ से ही आती है। तो अगर उधर आया है, इधर भी आ सकता है कि नहीं आ सकता है? आ सकता है। कैसे आ सकता है? दो हाथ अल्लाह ने दिए, दोनों उठाने का, अल्लाह उसको दिया मुझको भी दे। अल्लाह नहीं दे सकता है, अल्लाह दे सकता है। अल्लाह ताला ने बुढ़ापे में इब्राहिम अलैहिस्सलाम को औलाद दी, अल्लाह जो चाहता है कर सकता है। अल्लाह ताला मांगने से बंदे को देता है। तो अगर किसी आदमी को दुनिया में कुछ मिल रहा है, आपके पास नहीं है, बजाय इसके कि आप खामखा उसके ऊपर अपने आप को जलाते रहें, आप अल्लाह से मांगे तो आपको सुकून मिलेगा, मेरा अल्लाह इससे अच्छा देगा मेरे को, तो ऐसा करके अल्लाह से मांगे। अल्लाह उसको दिया ना, उसको मोटर कार दिया, मुझको एरोप्लेन दे दे, मांगे अल्लाह से, अल्लाह चाहे तो दे सकता है, कोई मुश्किल नहीं अल्लाह के लिए।
एक आदमी खुद अल्लाह से मांगे बजाय दूसरे पर जलने के।